हमारे देश में कोरोना के जो नए केस की रफ्तार है वो कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन हाहाकार अभी भी जारी है। इस सब के बीच 18 प्लस वालों को वैक्सीन देने का मिशन शुरू हो चुका है। कोरोना का हर अपडेट हमारे संवाददाताओं के साथ। 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। 77 सरकारी स्कूलों में इस वक्त आज से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है। हालांकि सरकार ने कहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाया जाएगा। फिलहाल 4.5 लाख वैक्सीन की डोजेज दिल्ली में आ चुकी हैं। हम इस वक्त हैं छतरपुर के गर्ल्स स्कूल के बाहर, जहाँ पे आप देख सकते हैं लंबी कतार लोगों की यहाँ पर दिख रही है, जो वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। कई सुबह 9 बजे से कतारें शुरू हो गई थी। यहाँ कुछ लोगों से भी बात करते हैं। आंटी, आप कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर? 2 घंटे से खड़े हो। दो घंटे से खड़ा हूँ। तो क्या प्रोसीजर है, क्या बताया जा रहा है अंदर? कह रहे कि अभी अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो उनका जब वैक्सीनेशन हो जाएगा तो उसके बाद हमारा लाइन आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत लंबी कतार है, काफी लोग यहाँ पर दूर से कतार शुरू होती है, लोग आए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे बाहर जो खड़े हुए लोग हैं वो बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। जबकि फर्स्ट रूल जो सरकार कह रही है कि 6 फुट का जो डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी है, मास्क पहन के रखना बहुत जरूरी है यहाँ पर, लेकिन 6 फुट का डिस्टेंस, 2 गज की दूरी बनती हमें नजर नहीं आ रही। हालांकि थोड़ी थोड़ी दूरी लोग बनाकर खड़े हैं। आप देख सकते हैं अंदर यहाँ पर जो रास्ता है पूरा अंदर स्कूल के अंदर तक पूरी लाइन जा रही है दूर से, और यहाँ अंदर वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है सुबह से। कुछ लोगों से और बात करते हैं। सर, आप कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर? हमें 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। क्या बोला गया, क्या प्रोसीजर होगा यहाँ पर? कुछ नहीं बोला मैम। आपकी बुकिंग हुई हुई है स्लॉट की? हाँ मैम, तभी खड़ा हूँ। कितने बजे का? सुबह का था, मॉर्निंग का। मॉर्निंग का। अभी क्या बोल, कुछ कह रहे हैं कि कितनी देर तक शुरू होगा? लंबी कतारों के बीच लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनको वैक्सीन लगे। सर, आप अभी वैक्सीन लगवा के आए हैं, कितनी देर लगी आपको? मैम, मैं 10 बजे आ गया था और काफी लंबी लाइन थी, 10 बजे से लेके 1 बज गया होगा शायद, 12:30, इतना टाइम तो लग रहा है। 2-3 घंटे लग गए। कितने बजे शुरू हुई वैक्सीनेशन? मैम, वैक्सीन अराउंड 11 बजे, 11 o'clock स्टार्ट हुई थी। इनके पास वैक्सीन नहीं थी शुरू में, लेट आई है इनके पास वैक्सीन, और इनका थोड़ा सिस्टम भी मैम ऐसा ही है कि थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, वैक्सीन की डोजेज आ गई है, लेकिन दिल्ली सरकार ने ये साफ किया है कि वैक्सीन की डोजेज अभी पूरी नहीं आई है। जितनी दिल्ली की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कुछ टाइम लगेगा, और लोगों से ये भी सरकार लगातार कह रही है कि बुकिंग अपनी आप वैक्सीन की स्लॉट की कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप पर कीजिए, फिर ही यहाँ आइए, क्योंकि जिन लोगों ने बुकिंग की है उनको भी लंबी कतार में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि डोज अभी दिल्ली के पास सिर्फ 4.5 लाख आई है। कैमरामैन नासिर के साथ अनिशा माथुर, दिल्ली आज तक। दिल्ली में आज से थर्ड फेज का वैक्सीनेशन शुरुआत हो गई, और सुबह से ही जो युवा है जो घरों से बाहर निकलते हैं उनकी लंबी लंबी कतारें जो है वो सेंटर्स पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस थर्ड फेज के अंदर वैक्सीनेशन जो है वो खुद को लगवाया है। एक ये पूरा परिवार है जो कि आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन लगाने के लिए पहुंचा था और खुद अब इसका हिस्सा बन चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि थर्ड फेज का पहला दिन था और शुरुआत में पूरी फैमिली जो है वो यहाँ पर पहुंची। सुबह कितने बजे पहुंचे थे वैक्सीनेशन लगवाया? जी, 9 बजे से लाइन पे लगे थे और 10 बजे गेट खुले, और उसके बाद थोड़ा मिसमैनेजमेंट था, बट स्टिल इट्स द फर्स्ट डे तो ऐसे चलता है। अब बहुत अच्छा सुधार हो गया, अच्छे से लग रही है, कोई परेशानी नहीं हुई ज्यादा। क्या कोरोना का डर था जिसकी वजह से सुबह सुबह जल्दी आप पहुंचे? पहले दिन की जरूरत है अब वैक्सीनेशन की? जी बिल्कुल, बचने का यही एक तरीका है, सबको लगवानी चाहिए, और हालात देख ही रहे हैं हॉस्पिटल में क्या हाल है, बुरे बहुत बुरे हाल में है सब लोग। वैक्सीनेशन से अगर बचाव हो सकता तो बिल्कुल लगवानी चाहिए। आपने भी वैक्सीनेशन लगवा लिया है, क्या कहेंगे कि कोरोना का डर है या फिर आप घर के बाहर जाते हैं तो इसलिए जरूरी है कि भैया घर में जो लोग रहते हैं वो ना? घर के बाहर जाते हैं, कोरोना का डर भी है तो इसलिए पहले वैक्सीन लगवाइए। घर वाले संक्रमित हो? बिल्कुल, ताकि घर वालों, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं सब, बेटर है कि पहले वैक्सीनेशन। आपने वैक्सीनेशन लगवाया, जो हालात है दिल्ली के और आज भीड़ भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्या डर है? बहुत डर है, इसीलिए तो सबसे पहले वैक्सीनेशन रात को भी रजिस्ट्रेशन तक हो नहीं रहा था, हम 12 बजे तक लगे रहे हैं कि कम से कम हमें अपॉइंटमेंट मिल जाए। और वैक्सीनेशन एक तो ये लग रहा है कि खत्म होने वाली है, एकदम से साइट पे सब ओवर हो जाता है, तो वही है कि पहले जाएं और फटाफट से हमारा नंबर आ जाए, इतना डर है आजकल तो। लेकिन थैंक गॉड ये है कि हाँ आज हम वैक्सीनेटेड हो गए हैं।
एक फर्स्ट डोज जो है वो मिल चुका है, आपने भी लगवाया वैक्सीनेशन? देखो हमारे बच्चों के लिए तो हम ही सहारा है, उनका तो नंबर पता नहीं कब आएगा, बड़ों को लग गई हमें लग जाए फिर देखेंगे उनका, पर जरूरी तो यही है, बड़ा लास्ट ऑप्शन है। लगता है कि आप सब लोग घर के बाहर जाते हैं, संक्रमण अपने बच्चों को या बड़ों को ना दे दें? हाँ जी वो तो है, हम भी तो रिस्क फैक्टर बन सकते हैं, हम कैरियर बन सकते हैं, तो कोशिश तो ये है अभी भी अंदर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लग गई तो अब हम इम्यून हो गए हैं पूरी तरह से। देश में शनिवार से शुरू हुए 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों का टीकाकरण लगातार जारी है, जिसमें पहले दिन 16,000 से ज्यादा लोगों को टीका दिया गया और अब दूसरे दिन कार्यवाही लगातार चल रही है, जहां पर कोरोना के टीकाकरण के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है लखनऊ के लोहिया इंस्टीट्यूट में, जहां आप देख सकते हैं कि टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया वही है, आपको कोविन ऐप के थ्रू या पोर्टल के थ्रू रजिस्टर करना है, उसके बाद में अपना स्लॉट बुक करना होता है और उसके बाद में जिस स्लॉट आपको समय दिया जाएगा उस समय आके आप अपना ये वैक्सीन ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार ने लगभग 1.5 लाख वैक्सीन के स्टॉक को किसी तरीके से यहाँ पर उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही सरकार का दावा है कि समय समय पर वैक्सीन की ये डोज देते जाए रहेंगे और इसके साथ ही जो 45 वर्ष से ज़्यादा आयु का टीकाकरण है उसके लिए भी सरकार ने अलग से स्टॉक की व्यवस्था की है। अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग हमें दिखाई दे रहे हैं जो कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए केंद्रों पर आ रहे हैं। किस तरीके से काम हो रहा है हम बात करते हैं, हमारे साथ में लोहिया इंस्टीट्यूट की नोडल ऑफिसर डॉक्टर विनीता हैं। मैम ये बताइए किस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है, पहले दिन जिस तरीके से हमने देखा, अभी किस के तहत आप लोग की वैक्सीन कर रहे हैं 18+? हाँ एक बस चेंज है कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं है, अदरवाइज तो सेम है जैसे हम पहले करते थे, वेटिंग में कर बिठाते थे, उस टोकन देते थे, वेटिंग में बिठाते थे, वैक्सीन लगवाते थे, फिर ऑब्जर्वेशन आधा घंटा भेजते थे। कैसा रिस्पांस आ रहा है क्या पोर्टल पे, जिस तरीके से लोगों को वेट करना पड़ रहा है? पोर्टल पे अगर जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया तब तो कोई इशू नहीं है, पोर्टल पे उनका नाम हम देख लेते हैं, खुल जाता है तो वेल एंड गुड। कभी कभी एक दो नाम के तीन चार लोग होते हैं तो उनका आईडी मैच करने में, चीजें करने में थोड़ा टाइम लगता है हमको। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो पा रही है टाइमली, जिस तरीके से गवर्नमेंट जो सेकंड ड्राइव है इसके लिए अरेंज कर रही है, क्या उसकी कोई कमी या किसी तरीके का? हम लोगों को तो बिल्कुल कमी नहीं लग रही, इसलिए क्योंकि ये हमें लग रहा था कि 18+ कैसे शुरू होगा, पर स्टेट ने बड़ा अच्छा मैनेज किया कि 18+ का स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा है और 45+ का हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है, तो इसलिए हमें वैक्सीन का तो ऐसा इशू नहीं है। 300 का स्लॉट रहता है हमारा एक दिन का, बिलो 45। किस तरीके से चलेगा, अभी पूरे हफ्ते चलने वाला है, मंडे टू सैटरडे वही 9 to 5 सेम। साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया को पूरे हफ्ते चलाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिल सके। अपनी चिंता को छोड़कर लोगों की मदद के लिए सामने आना बड़ी बात है। कोरोना वायरस की महामारी में एक लड़की पुलवामा जिले की एक छोटे से गांव से आती है, वो हर रोज पुलवामा के अस्पताल में लोगों को वैक्सीनेट करती है। पिछले 3 महीने के दौरान इस लड़की ने 5,000 से भी ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन लगाया, वो हर रोज 300 लोगों को वैक्सीन लगाती है। कौन है ये फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर, जानिए इससे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और को जो पेशेंट आ रहे हैं उनके साथ शाना बचाना हम उनको उनके साथ काम कर रहे हैं, और जहाँ से वैक्सीन स्टार्ट हुआ है 16 जनवरी से हमारा कोविड वैक्सीन स्टार्ट हुआ है, तब से मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ एज वैक्सीनेटर ऑफिसर, और मैं मेरा स्कोर हुआ है आज तक 16 से टिल डे तक 5,000 अबो मेरा वैक्सीनेशन वहाँ पे हुआ है। मेरा पर डे स्कोर होता है 300 अबो मेरा होता है वहाँ पे वैक्सीनेशन, और मैं चाहती हूँ कि इस वैक्सीन से इफेक्ट पड़ जाए लोगों पे और हम कंटिन्यू रहेंगे तब तक जब तक हमारा ये रोल कंप्लीट नहीं होगा। जो लोग हमारे पास आते हैं चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो सिटीजन से हो, फ्रंटलाइन वर्कर हो, हेल्थ वर्कर हो, सबके लिए मैं घर से निकलती हूँ वैक्सीनेशन के लिए, इससे थोड़ा नहीं 90% इसे इफेक्ट पड़ता है लोगों पे। कोरोना में शहर शहर ऐसे हादसों की दास्तान सामने आ रही है जहां सवाल है मददगार हैं, बंधती आस टूटती सांस है। कोरोना के मामले बिहार में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब ये धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों तक जो है अपने पैर पसार चुका है, और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े अस्पताल यानी कि SKMCH पर मौजूद है, जो कि एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया गया है, और यहाँ पर आसपास के तकरीबन 5-6 जिले के जो लोग हैं यहाँ इलाज के लिए आते हैं, चाहे सीतामढ़ी हो, शिवहर हो, इन सब जिलों से लगातार
लोग यहाँ आते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से जो मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ आप देखिए कोविड के पेशेंट देख रहे हैं यहाँ पर, और इनको अभी फिलहाल एक मिनट रुक जाइए जी, बताइए। यहाँ सर हम 2 घंटा हो गए हमको आया हुआ, अभी तक गैस नहीं मिला, अति नहीं मिला, मेरा परसेंट बढ़ गया, अभी डेड बॉडी बढ़ गया। कौन भरती है आपका? आप देख सकते हैं परिजन किस तरीके से जो है वो अव्यवस्था को लेकर यहाँ पर जो है अपनी तकलीफ किस तरीके से बयान कर रहे हैं, और यही हालात यहाँ पर SKMCH में जो है वो लगातार जो है वो बने हुए हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, और धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों में भी जो है वो हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसी तरीके का हालात यहाँ पर, अब आप इस तरफ भी आप देखिए, कोविड के पेशेंट हैं और उनको काफी देर यहाँ रुकने के बाद आप देखिए स्ट्रेचर यहाँ आया गया है और उन्हें लेके अंदर ले जाया जा रहा है, और ऐसी शिकायतें लगातार जो है वो सामने देखने को मिल रही है, और खासकर ग्रामीण इलाकों में देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी जो है खुद ही लोगों को अपने कंधे पे जो है उठा के इस तरीके से ले जाना पड़ रहा है। अपने आप में बताता है कि हालात यहाँ SKMCH में जो है कितने विकट बने हुए हैं, और लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, और ये हालात तब है जब ग्रामीण इलाकों में जो है ये गंभीर बीमारी जो है वो अपना पैर अब पसार रहा है। कैमरा पर्सन आनंद और मणिभूषण के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर आज तक। देश की राजधानी में ऑक्सीजन और बेड ढूंढना बेहद ही मुश्किल काम हो गया है। बेड ढूंढना तो मानो रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर है, लेकिन वहीं ऑक्सीजन की किल्लत आम लोगों के लिए भी परेशानी बन गई है। लेकिन एक खुशखबरी भी है, इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं ये कोरोना सेंटर का बाहर का हिस्सा है, जहां ठीक मेरे पीछे ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। कोरोना सेंटर को ऑक्सीजन मिली है पहली बार, और पूरी दिल्ली में ये पहली बार हुआ है जब किसी कोरोना सेंटर को अपनी ऑक्सीजन प्लांट बनाने की तस्वीर सामने आई है। कितनी इसकी क्षमता है और कितनी ऑक्सीजन ये प्लांट जनरेट करेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर्स फॉर यू संस्था की तरफ से इस प्लांट को यहाँ पर लगाया गया है। दिखने में ये प्लांट थोड़ा छोटा है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में कई अस्पतालों से रोजाना ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आती हैं, पिछले दिनों कई ऐसे हमने अस्पताल देखे जहां पर ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत तक हो गई। ऐसे में ये कितना मददगार साबित होगा। डॉक्टर्स फॉर यू के जो डॉक्टर सैयद हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आप प्लांट के नजदीक आ जाइए और हमें बताइए कि ये प्लांट जो है कितनी ऑक्सीजन जनरेट करेगा और यहाँ पर मरीजों के लिए किस तरह से ये मददगार साबित होगा। सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो अराउंड 32D टाइप सिलेंडर्स के लगभग ये एक दिन में प्रोड्यूस करेगा। दैट विल कम सम अराउंड 1500 लीटर्स पर डे, और उससे हम लोगों ने 15 बेड्स कनेक्ट किए हैं, दैट विल हैव कंटीन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई। आपके अपनों की सांसें चलती रहे, इसीलिए कोरोना काल में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत पूरे देश में महसूस की जा रही है, और इसी की किल्लत भी जो है इस वक्त पूरे देश में देखी जा रही है। और इसी क्रम में पटना में मुफ्त में सिलेंडर भरा जा रहा है, यानी कि मुफ्त में ऑक्सीजन जो है वो लोगों को प्रदान किया जा रहा है, और ये जो किया जा रहा है पटना के मशहूर महावीर मंदिर के तरफ से। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप यहां देखिए कि महावीर मंदिर पर जो है वो लगातार यानी 2400 घंटे यहां पर मुफ्त ऑक्सीजन जो है वो लोगों को दिया जा रहा है। जो जरूरतमंद लोग हैं वो यहां अपने
खाली सिलेंडर को लेकर लगातार पहुंच रहे हैं और यहां आने के बाद उन्हें ऑनलाइन छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना है, आधार कार्ड दिखाना है और उसके बाद जो वो सिलेंडर लेके आते हैं उसको यहां पर जो है वो भरा जा रहा है ताकि ये लोग जो है अपने परिजनों की जिंदगी को जो है वो जो है बचा सके। और इस तरीके से जो 2400 घंटे है ये प्रक्रिया चल रही है। आप देख सकते हैं जो जरूरतमंद लोग हैं, अपनों की जिंदगी बचाना चाहते हैं, वो लगातार महावीर मंदिर में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ महावीर मंदिर की तरफ से भी एक है, आपका नाम क्या हुआ? संजय सरकार। संजय जी ये बताइए, ये जो आप लोग एक सेवा भाव से कर रहे हैं, मुफ्त में ऑक्सीजन लोगों को दे रहे हैं, कैसे ख्याल आया, कब से शुरू हुआ है ये? सर का ख्याल आया था, आचार्य कुणाल किशोर जी ने, वही बोले कि इसको हम लोग शुरू करेंगे और फ्री में बांटेंगे। ये दिक्कत देखते हुए पेशेंट का होम आइसोलेशन में जो रहते हैं उसके लिए तो काफ़ी दिक्कत उन लोग को आ रहा था सिलेंडर रिफिलिंग करने में, तो एक दिन में लगभग हमको लगता है कल हम लोग ने 54 सिलेंडर रिफिल किया था छोटा वाला, 7 बजे से लेके रात 10:30 तक, आज अभी तक 12 से 15 हो गया है, अभी दिन भर और बाकी है। तो आप लोगों ने क्या कोई प्लांट लगाया है या क्या प्रक्रिया क्या है? ये तो बड़ा सिलेंडर हम लोग को मिल रहा है, एक संजय भारतिया जी है उनके तरफ से, और हम लोग इसको छोटा में रिफिल कर रहे हैं ताकि इंस्टेंट किसी का काम आ जाए। तो आप देख सकते हैं बड़े सिलेंडर जो है वो मंदिर को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और फिर बड़े सिलेंडर से जो है जरूरतमंद लोग जो आते हैं अपना छोटा सिलेंडर लेके उनको मुफ्त में जो है ये उपलब्ध कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो काम हो रहा है ये बहुत ही एक अच्छा काम हो रहा है, जरूरतमंद लोगों की जो है वो यहाँ पर महावीर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो है वो मदद की जा रही है।